हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसी हो? उम्मीद करती हूँ ठीक हो। आज मेरा छुट्टी है तो सोचा एक ब्लॉग करूँ आप लोग के लिए। मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ? तो फ्रेंड्स, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं काम करती हूँ। और मैं आज सोचा था थोड़ा आराम करूँ, लेकिन इतना शोर हो रहा है, नीचे आराम ही नहीं कर पा रही। दिखा रही हूँ आप लोग, इतना बाजा बजा रही है। ये मेरा आसपास सारे जंगल जैसा है। और ऊपर अभी छत पे जाके आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक बैल्कनी है मेरा और ये मेरा रूम है, छोटा सा किराए का रूम है। दोस्तों सोच रही हो बहुत मतलब छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जा रही हूँ फ्रेंड्स आपके मतलब को दिखाने के लिए। ये साथ है, ये जीना है। ओ अल्लाह, यहाँ पे तो मन की बैठा है। ये देखो फ्रेंड, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखो अल्लाह, ये तो काट जाएगी, खा जाएगी मेरे को। फिर देखो ये कैसे शांत बैठी है, इतना मतलब वो है, पता नहीं मेरे को काटेगी क्या। बहुत सालों बाद मैंने मंकी देखा है तो बहुत घबराहट भी हो रही है। फ्रेंड इस तरफ तो मंकी बैठी है, नहीं दिखा पा रही हूँ, दूसरी तरफ दिखा रही हूँ आप लोग को। दूसरी तरफ ऐसी है फ्रेंड, चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग है। गुड़गांव है ये और मैं रहने की कलकत्ता की हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग है। अल्लाह, मंकी को देखिए कैसे बैठी हुई है, बहुत शांत बैठी है। उम्मीद ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे को देख कैसे शांत बैठेगी, वो कुछ नहीं बोल रही है। और इस तरफ देखिए फ्रेंड, ऐसे मतलब ये जंगल है चारों तरफ, और नीचे भी कॉलोनी रखी हुई है, वह दिखा रही हूँ आप लोग को। ये है, इसी में मैं काम करती हूँ, ये टावर में जाती हूँ काम करने के लिए। तो फ्रेंड कैसे लगा मेरा ब्लॉग आप लोग को? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करियो, शेयर करिए, अपना दोस्त को आगे बढ़ाइयो। तो फ्रेंड ये है देखो, और नीचे नहीं दिखा पा रहा हूँ, चार मंजिल के ऊपर रहती हूँ मैं। फ्रेंड वो जा रहा है, मंकी जा रहा है। ओ अल्लाह, कितना बड़ा मंकी है। अल्लाह, दिखाऊं कैसे आप लोग को? वो टैंकी के पीछे से लगे वो रहा, वो दिख रहा होगा आप लोग को। अभी थोड़ा थोड़ा सर्दी आ रहा है ना, तो ये लोग धूप तापने आया होगा। ये देखिए फ्रेंड, अल्लाह मेरे को डर लग रहा है, ये तो कैसे आंखें दिख रहा है मेरे को। अल्लाह, आज तक मैंने कभी देखा नहीं, बहुत सालों बाद देख रही हूँ। एक मेरा गांव में सुंदरबन है, वहाँ पे जंगल में देखती हूँ। आप तो यहाँ आके कभी देखा नहीं है, इतना बड़ा है, देख के मुझे घबराहट हो रहा है, पता नहीं काटेगी क्या। देखिए फ्रेंड ये है, ये देखो बैठी है कैसे, देख रही हो आप? तो फ्रेंड और इस तरफ इतना दिखा पा रही हूँ, उधर मांगी बोल के नहीं जा पा रही हूँ। ये देखिए बहुत किराए का रूम है, बहुत मतलब गंदा करके रखा। ये देखिए देखिए दिख, ये देखो कैसे जा रही है, बैठ गया। अल्लाह, कैसे बैठा वो उधर मुंह के, पता नहीं मेरे तरफ आएगी क्या। बहुत तो डर लग रहा है, पर क्या करूं। इतना मोटे मांगी मैं आज पहली बार देखी हूँ। अल्लाह, फिर अगर बोलने में कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं आज पहली बार ब्लॉग में आई हूँ। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि मैं आगे जा पाऊँ। और मेरे पीछे मंकी है, पता नहीं मुझे काट जाएगी क्या। बेचारा पता नहीं बैठ बैठ के क्या सोच रही, इसका कोई साथ ही घूम गया होगा,
अकेले चुपचाप बैठिए शांत होके, अल्लाह इसके साथी को आप मिलवा दो। अरे तीन टैंक रखी हुई है तो इतना मतलब पानी की दिक्कत नहीं होती है, जून जुलाई में थोड़ा होता है पानी का दिक्कत, बाकी ठीक है। फ्रेंड इस कोने से उस कोने में जाके बैठी हुई है, देखिए फ्रेंड, और इधर ही आ रहा होगा तो मैं भी इधर से भागती हूँ। फ्रेंड मेरा ऊपर ही बैठी हुई है, देखोगे अभी तो मुझे देख के डर लग जाए, अल्लाह को जान से ना आ जाए। देखिए कैसे बैठी हुई है, बेचारी को कोई साथी मतलब खो गया होगा तो बेचारा बैठ के ना सोच रही है कि मेरा साथी कहाँ गया। तो आप लोग अल्लाह से दुआ करिए उसको साथी मिल जाए। अकेले बेचारी दुखी है, देख के लग रहा है वो दुखी है। सोचा था इधर उधर से आप लोग को घुमा के दिखाऊं, लेकिन इतना मोटा मांगी है तो मेरे को बहुत तेज डर लग रहा है। फ्रेंड मैं बहुत सालों बाद मांग के देख रही हूँ, कम से कम हो गया 12-13 साल के बाद मांगी देख रही हूँ। मैं गांव इतना जाती नहीं हूँ तो इधर ही अभी लगातार 3-3.5 साल हो गया मेरा, तो आज बहुत दिन के बाद मांगी देख रही हूँ तो मुझे तो डर लग रहा है। फ्रेंड मुझे लगता चला गया वो, क्योंकि उसको दिख नहीं रही है तो थोड़ा मेरे को भी बात करने के थोड़ा वो आया है, बताया। तो शाम होने वाली है फ्रेंड, देखो और चारों तरफ लाइट ऑन होने वाला है, कई कई जगह लाइट ऑन भी हो गया, तो घुमा के दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए इधर थोड़ा जंगल है और मतलब अच्छा व्यू इधर है, आगे पीछे बहुत अच्छा जगह है। मंकी भी नहीं गया अभी तक, आप लोग सोच रही मंकी चला गया, नहीं गया ऊपर है, वो लेटी हुई है। तो मैं आराम से इधर आके अपना ब्लॉग शुरू कर दिया फिर से, और मतलब मैं छुट्टी हूँ तो खुश थी कि आप लोग से कुछ बातें शेयर करूँ, तो इतना मतलब हो नहीं पाया, घर के काम संभालते संभालते मतलब टाइम ही निकल गई। कल से फिर मेरा ड्यूटी चालू है फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट करिए और आगे बढ़ाइए मेरे को, और आप लोग के लिए अल्लाह के लिए अल्लाह के पास दुआ करते आप लोग सब अच्छा रहना ठीक रहना, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छी है फ्रेंड, देखो मैं घुमा के आप लोग को दिखा रही हूँ। चारों तरफ बिल्डिंग है, मतलब देखने में खूबसूरत है। देखो अच्छा भी हुए, और कल से मेरा ड्यूटी चालू है तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं अच्छा रहूँ सुस्थ रहूँ, मैं भी अल्लाह के पास दुआ करूँगी अल्लाह भी अच्छा रहना। थोड़ा मेरा पीछे देखिए दोस्तों, मेन रोड है, और मतलब मेन रोड ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा पीछे गाड़ी वगैरह जा रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है मेन रोड, और मैं मेन रोड के पास ही रहती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ, और मेरा यहाँ से ड्यूटी जाने में 10 मिनट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये तो आप लोग को देख रहा होगा बिल्डिंग, इसी में मैं काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मेरा मैडम इतना अच्छा नहीं है फ्रेंड, फिर भी लोगों के घर में काम तो करना होता है, नहीं तो पेट कैसे चलेगा आप लोग बताओ। गरीब हूँ, अल्लाह ने हम लोग को गरीब किया तो दूसरे को बातें सुन के काम करना होता है। तो सबको यही बोलूँगी आप लोग भी जो जहाँ ड्यूटी करते हो अच्छा रहना स्वस्थ रहना, पर क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो में आई फ्रेंड, मुझे थोड़ा सपोर्ट करियो। दोपहर को इतना सोने की कोशिश की, अब जरा सा भी नींद नहीं आया, और जब ड्यूटी होती हूँ तो बहुत नींद आता है, खाड़ी होती हूँ तो नींद आती है, बैठे रहती हूँ तो नींद आती है, मतलब ऐसे नींद आती है काम कर नहीं पाती हूँ,
कभी मान लो अगर चाकू हो हाथ में तो उंगली काट के निकल जाती है, ऐसे नहीं जाती है। काश ना बिल्कुल भी नींद नहीं आया, मैं इतना कोशिश किया सोने की तो बिल्कुल भी नींद नहीं आया, क्योंकि दिन में सोने का आदत नहीं ना, ड्यूटी में होती हूँ, लोगों के घर में तो सोने नहीं देती है। तो फ्रेंड अस्सलामुअलैकुम, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपना बोला। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, अपना दोस्त को आगे बढ़ाना। तो बाय बाय, गुड नाइट।